जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जाम्पल। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के अवेलेबल हूँ। आज हम लोग पूरे सेप्टेम्बर के मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार प्लीज मुझे रिप्लाई करें। नितिन कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अपर्णा सोनी, जय हिंद। सत्यम कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप सब? एक बार सभी बच्चे जितनी जल्दी हो सके सेशन को एक बार शेयर कर दो और एक बार सेशन को लाइक भी कर दो। आप लोग जो बच्चे लाइव हैं प्लीज डू शेयर एंड लाइक द सेशन एवरीवन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकूं। तनु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित, निशु खान, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सब एंड हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? हाँ जी, चलिए तो पूरे सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी यादव, जय हिंद एंड वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले जो हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स है उसके लिए हम लोगों ने डेमो सेशन थर्ड प्लान कर रखा है। आज मॉर्निंग सुबह 10 बजे याद रखना है, मॉर्निंग 10 AM आज आपकी इंग्लिश की डेमो होगी, एरर स्पॉटिंग। दोपहर 1 बजे इंडियन पॉलिटी में आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करूंगा। कल मैंने नेशनल इनकम पढ़ाई थी। जनरल साइंस में आज 3 बजे लाइट का चैप्टर होगा जुबैर सर के साथ, और साथ में शाम 5 बजे हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाएंगे आपके अभिषेक सर, ठीक है ना? तो सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभिषेक दी, देन वी हैव अभी यादव, राजन चौधरी, वेलकम टू द क्लास डियर। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि अवनी लेखारा हैज मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स 2020, विच गेम इज सी एसोसिएटेड विद? अवनी लेखारा ने पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? हाई जंप, शूटिंग, टेबल टेनिस या डिस्कस थ्रो, ये पूछा गया है। वेरी गुड मॉर्निंग कामनी, वेलकम टू द क्लास। चलो फटाफट सब लोग अब आंसर कर, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझसे ये देखना है कि आप लोगों को कितना पता है सारे टॉपिक्स के बारे में। जो पूरी सितंबर में मैंने करंट अफेयर्स कराई हैं उसमें कितनी अच्छी पकड़ है आपकी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि ये किस फील्ड से है, तो आप बताओगे शूटिंग से है, ठीक है ना? तो अवनी लेखारा ने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल जिताया दिलाया था वेमेंस के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। ये ध्यान रखना है इनकी जो कैटेगरी थी वो क्या थी, 10 मीटर एयर राइफल। और ये पैरालंपिक्स कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में। और जो अवनी लेखारा है फर्स्ट इंडियन वुमेन है हु हैज वोन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना है। और जो अवनी लेखारा है ये 5वीं इंडियन एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक गेम्स में, पहली इंडियन वुमेन है और 5th इंडियन एथलीट है। ये इंपॉर्टेंट है 10 मीटर एयर राइफल में। अगला सवाल ये है, हु हैज वोन द सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट इन द पैरालंपिक्स? पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? निषाद कुमार ने, साक्षी मल्लिक ने, सुंदर सिंह गुर्जर ने या संदीप चौधरी ने? I have a suggestion, sir, that you please increase the font size of the session. Its font size is too small. Definitely, Abhishek, I will increase the font size. Don't worry. चलो थोड़ा सा मैं इसको zoom कर देता हूँ। चलो अब देखो, अब इसको समझने में आपको आसानी होगी। Who has won the silver medal in the men's high jump T47 event in the Paralympics? Now is it visible to you, Abhishek? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो आप बताओगे निषाद कुमार ने। बिल्कुल सही है, निषाद कुमार ने जीता था ये मेडल। तो इंडिया के निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था मेंस हाई जंप T47 इवेंट पैरालंपिक्स में, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। ये 21 साल के हैं और इन्होंने 2.06 मीटर का हाई जंप लिया था इस सिल्वर मेडल को क्लिंच करने के लिए, इसको ध्यान रखना है। और T47 जो एथलीट्स होते हैं वो ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनका एक अपर लिम जो है वो इम्पेयर्ड होता है, आई बात समझ में? या तो उनका शोल्डर या एल्बो या रिस्ट, कोई भी एक पार्ट जो है वो सही से फंक्शन नहीं करती। और ये जो निषाद कुमार है ये ऊना हिमाचल प्रदेश से है, ये ध्यान रखना है। टू विच कंट्री हैज भाविना पटेल लॉस्ट
एंड बैग द सिल्वर मेडल इन द टेबल टेनिस पैरालंपिक गेम्स। जो टेबल टेनिस पैरालंपिक खेल है उसमें भावना पटेल किस देश से हार कर रजत पदक जीत चुकी हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी या पाकिस्तान? तो हमारी जो भावना पटेल है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस पैरालंपिक गेम्स में, वो किससे हारी थी फाइनल में, जिस कारण से इनको सेटल करना पड़ा किसके साथ? तो आप बताओगे सिल्वर के साथ। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, चीन के साथ। किसके साथ? तो आप बताओगे चीन के साथ, ये ध्यान रखना है। तो इंडिया की जो टेबल टेनिस प्लेयर है भावना पटेल, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अपने पहले पैरालंपिक गेम्स में जब वो 0-3 से पीछे थी, और इन्होंने इनको हराया किसने है? चाइनीज पैडलर इंग झाओ ने इन द वुमेन सिंगल्स क्लास 4 फाइनल, ठीक है ना। ये चीन के इंग झाओ से हारी हैं और ये इनका पहला पैरालंपिक्स था, इसको आपको ध्यान रखना है। और वो जो हमारी भावना पटेल जो है वो पोलियो से सफर कर रही थी, ठीक है ना, और उन्होंने उन्हें हराया है किसने? चाइना के इंग झाओ ने, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। हु हैज वोन द गोल्ड इन द जेवलिन थ्रो इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है ना। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, सुमित एंटिल ने, देवेंद्र झाझरिया ने या अवनी लेखरा ने, ठीक है ना। गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, इट्स नॉट द ओलंपिक्स, इट्स द पैरालंपिक्स, ये ध्यान रखना है। कामनी प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट्स द क्वेश्चन इज गोल्ड इन द जेवलिन थ्रो इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, इट्स नॉट द टोक्यो ओलंपिक्स। दैट इज वाई आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी माइन्यूटली। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो बहुत धीरे से पढ़ो, आसान आराम से पढ़ो ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दैट इज सुमित एंटिल, ये ध्यान रखना है। सुमित ने ब्रॉक किया है अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तीसरी बार विद 3 of his 6 जेवलिन थ्रोज इन द फाइनल ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक्स। ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुलियन ने फेंका था 66.29 मीटर, श्रीलंका के दुलन कोदितु बाका ने 65.61 मीटर, जिनको सिल्वर मिला और ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है ना। और इन्होंने F64 कैटेगरी में जैवलिन थ्रो में 2019 में दुबई में भी सिल्वर जीता था, किसने? सुमित एंटिल ने। तो इन्होंने 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी उसमें सिल्वर जीता है, और 2020 के पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये किस कैटेगरी से है? F64 कैटेगरी, जिसमें जो एथलीट होता है उनका एक पाँव जो है वो क्या होता है? खराब होता है, ये ध्यान रखना है आपको। हु अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव बैग मेडल इन द मेन्स जेवलिन थ्रो F46 इवेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स? निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरालंपिक के पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में पदक जीता है? देवेंद्र झाझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर, योगेश कथुनिया या बोथ ए एंड बी? प्लीज गो फॉर द आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लाइक करो या ना करो बट शेयर जरूर कर देना। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर, इन दोनों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया के देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेन्स जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में, कहाँ पे? टोक्यो पैरालंपिक्स में, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझरिया ने जो भाला फेंका था उसकी लेंथ कितनी थी? उसकी जो डिस्टेंस थी वो 64.35 मीटर्स थी, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, योगेश कथुनिया हैज वोन द सिल्वर इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद? योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? कौन? योगेश कथुनिया। जेवलिन से, टेबल टेनिस से, डिस्कस थ्रो से या हाई जंप से? ये पूछा गया। जो योगेश कथुनिया है इन्होंने सिल्वर जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में, और सवाल पूछा गया है कि वो किस खेल से संबंधित है, विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद, विच वन? योगेश कथुनिया किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया। बिल्कुल सही है, आप बताओ कि डिस्कस थ्रो किससे संबंधित है? डिस्कस थ्रो से। तो भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है मेन्स डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में, जो कि अभी टोक्यो में चल रही पैरालंपिक्स थी उसके अंदर, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ये खुद एक आर्मी मैन के बेटे हैं कथुनिया, जिनको पैरालिटिक अटैक आ गया था एट द एज ऑफ 8, विच लेफ्ट हिम विद द कोऑर्डिनेशन इंपेयरमेंट्स इन हिज लिम्स।
इसको ध्यान रखना है। और F-56 कैटेगरी उन एथलीट में उन एथलीट को रखा जाता है जिनका एक पूरा बांह या उनका जो मसल है वो ट्रंकेटेड हो, इसको आपको ध्यान रखना है। और कथुनिया साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2019 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो हुई थी कहाँ पे, दुबई में। डिस्कस थ्रो से हैं ये, एक कभी कभी स्पोर्ट्स और उसके जो फील्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव ऑन वोन द मेडल्स इन द मेन्स हाई जंप T63 इवेंट, ये पूछा गया है। इसमें से किसने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में पदक जीते हैं, ठीक है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज और हैव वोन द मेडल्स इन द मेन्स हाई जंप T63 इवेंट, इज इट देवेंद्र झाझरिया, इज इट मरियप्पन थंगावेलू, इज इट शरद कुमार या इज इट बोथ BNC। निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में पदक जीते हैं। सातवा क्वेश्चन है किसको से, किससे रिलेटेड, मेन्स हाई जंप से रिलेटेड, और इसमें पूछा गया है कि किसने जीती है यह स्पर्धा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, तो आप क्या बताओगे कि मरियप्पन थंगावेलू और शरद कुमार, ये जो दोनों हैं इन दोनों ने क्या है इस प्रतियोगिता को क्या किया है, जीता है। बोथ BNC, मरियप्पन थंगावेलू और शरद कुमार, इन दोनों ने जीता है इसे। तो मरियप्पन थंगावेलू और शरद कुमार ने जीता है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली मेंस के हाई जंप T63 इवेंट्स में, ठीक है ना। ये लोग हाई जंपर्स हैं, ये ध्यान रखना है। सिंगराज अडाना हैज वॉन द ब्रॉन्ज इन द पैरालंपिक्स, विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद। पैरालंपिक में सिंगराज अडाना ने कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। सिंगराज अडाना जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है पैरालंपिक्स में, उनके बारे में पूछा गया है कि वह किस खेल से संबंधित है। हाई जंप, ऊंची कूद प्रतियोगिता, शूटिंग, टेबल टेनिस या फिर जैवलिन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सिंगराज अडाना हैज वोन द ब्रॉन्ज इन पैरालंपिक्स, विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद। पैरालंपिक में सिंगराज अडाना ने कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। सिंगराज अडाना किस खेल से संबंधित है, हाई जंप है, शूटिंग है, टेबल टेनिस है, जैवलिन है। ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे, या तो उस पर्सनैलिटी का एसोसिएटेड गेम पूछेगा, या फिर उस पर्सनैलिटी ने कौन सा मेडल जीता है वो भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सारे क्वेश्चंस, तो याद रखना शूटिंग, ठीक है ना। तो इंडिया के जो शूटर है सिंगराज अडाना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट ऑफ द पैरालंपिक्स में, ठीक है ना। चाइना दो डोमिनेटेड द फाइनल्स विद डिफेंडिंग चैंपियन छाओ यांग एंड वांग जिंग विनिंग द गोल्ड एज वेल एज सिल्वर मेडल्स रिस्पेक्टली। और इस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी है 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 मेंस इवेंट में, इसमें चाइना ने डोमिनेट किया है इस पूरे गेम को। हु हैज क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, मनीष नरवाल ने, मनोज सरकार ने, प्रवीण कुमार ने या फिर शरद कुमार ने। हु हैज क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट, ये पूछा गया है। गोल्ड मेडल इन द P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार सभी बच्चे सेशन को प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, इट्स द मनीष नरवाल, ये ध्यान रखना है, मनीष नरवाल। तो शूटर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में, जबकि इनके जो कंपेनियन है सिंगराज अडाना, उन्होंने सिल्वर जीता है। मनीष नरवाल ने गोल्ड, गोल्ड और सिंगराज अडाना ने सिल्वर, ये ध्यान रखना है। कृष्णा नागर हैज रिसेंटली वोन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स, विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद। कृष्णा नागर ने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वह किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। जो कृष्णा नागर हैं उन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। हाई जंप, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या शूटिंग। हाई जंप, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या शूटिंग, कृष्णा नागर। ही इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एनी क्वेश्चन, इट्स द बैडमिंटन, ध्यान रखना है। कृष्णा किससे हो जाएंगे, बैडमिंटन से। चलिए अगला सवाल ये है, जो इंडियन शटलर है कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के टोक्यो पैरालंपिक्स इवेंट में। इन्होंने हांगकांग के छू मान काई को
क्या किया है, हराया है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नगर ने कहां के प्लेयर को हराया है, हांगकांग के छू मान काई को, ये ध्यान रखना है, छू मान काई को। अगला सवाल ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह, भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें किसके बारे में समझना है, इंडियन कोस्ट गार्ड से विग्रह के बारे में। पहला है कि इट कैन अटेन अ सस्टेंड स्पीड ऑफ अप टू 62 नॉट्स या 62 समुद्री मील तक की निरंतर गति प्राप्त कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इट इज आर्म विद अ 40-60 बोफोर्स गन एंड फिटेड विद टू 12.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन विद द फायर कंट्रोल सिस्टम। अब देखो इसमें पहला स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि इसमें जो लिखा गया है कि यह 62 समुद्री मील तक की निरंतर गति प्राप्त कर सकता है, ये 62 नहीं है बल्कि ये क्या है 26 नॉट्स है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2, ठीक है ना। ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड से विग्रह, ठीक है ना, इसको कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये 98 मीटर लंबी है, 15 मीटर चौड़ी है, 3.6 मीटर इसका ड्रॉट है मतलब गहराई है, और इसके पास 2140 टन्स डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है, ठीक है ना, और इसकी रेंज कितनी है 5000 नॉटिकल माइल, इसकी जो सस्टेंड स्पीड है कितनी की है 26 नॉट्स की, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी रडार्स लगे हैं, नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, मशीनरी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ट्रॉपिकल सी कंडीशन, यानी कि ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी क्या कर सकती है, काम कर सकती है, और ये आर्म्ड है विथ अ 40-60 बोफोर्स गन एंड इट इज फिटेड विथ टू 12.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन विद द फायर कंट्रोल सिस्टम। ये इसकी विशेषता है किसकी, INS विग्रह की। तो INS विग्रह क्या है, तो आप बताओगे ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी कि एक तरीके से खोजी जहाज है ये, पेट्रोलिंग वेसल, निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विथ विच कंट्री हैज इंडियन नेवी कंडक्टेड देयर फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है, ओमान, अल्जीरिया, ईरान या कुवैत के साथ। विथ विच कंट्री, क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ विच कंट्री हैज इंडियन नेवी कंडक्टेड देयर फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर, किसके साथ किया है इन्होंने। All of you please do share the session with your friends, एक बार सभी लोग सेशन को एक बार प्रमोट कर दो, शेयर कर दो। तो किसके साथ इंडियन नेवी ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है, तो आप क्या बताओगे, अल्जीरिया के साथ। आपको ध्यान रखना है कि इंडियन और अल्जीरियन नेवी जो है इन्होंने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है कहाँ पे, अल्जीरिया के तट पर, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, जिस कारण से इन दोनों देशों के बीच में जो नौसैनिक संबंध है उसको क्या किया जाए, विकसित किया सके, उसको बढ़ाया जा सके, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, इन विच कंट्री मल्टीनेशनल जपान 2021 एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस, बहुराष्ट्रीय, जहां पे दो से अधिक देश मिलकर के इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय जापान 2021 अभ्यास जो है वो किस देश में हो रहा है, ये पूछा गया है। इन विच कंट्री मल्टीनेशनल जापान 2020 एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस, एक बार सभी लोग इसके आंसर को रिप्लाई कीजिए मुझे, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में या फ्रांस में, जापान 2021 कहां पे हो रहा है। सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, प्लीज एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो, ऑल ऑफ यू प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, रशिया। ध्यान रखना है 200 आर्मी पर्सनल की जो एक टुकड़ी है, जो कॉन्टिजेंट है, वो पार्टिसिपेट कर रही है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जापर 2021 में, जो कि कहां पे कराया गया, निजनी रशिया में, सितंबर 3 से लेकर के सितंबर 16 के बीच में, 3 से 16 सितंबर के बीच में, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि ऑल टुगेदर 17 कंट्री जो है उनको इनवाइट किया गया है रशिया के द्वारा इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। इसमें से 9 कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें उनमें मंगोलिया है, आर्मेनिया है, कजाक, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया और बेलारूस है, और जो अदर 8 कंट्रीज हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ, उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज़्बेक और श्रीलंका। तो ये जो जापद है इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो आप बताओगे 17 कंट्रीज ऑल टुगेदर, टोटल कितनी है 17 कंट्रीज है, ये ध्यान रखना आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के संदर्भ में
इन कथनों पर विचार करें। पहला है कि इंडिया एंड यूएस हैव साइंड एन अग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं अलुआव, अलुआव, ठीक है ना, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि भारत और अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2020 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। अब इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि इंडिया यूएस डिफेंस टाइस के रिलेटेड के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है ना, इसको आपको मुझे बताना है, प्लीज टेल मी। देखो, अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में कौन से ईयर में नामित किया था, तो बताओगे 2016 में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ए ओनली। इसको ध्यान रखना है अच्छे से, आपको ध्यान रखना है इंडिया और यूएस ने साइन किया है एक एग्रीमेंट को ताकि एक दूसरे को वो सहयोग कर सके विकसित करने में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है ना, इन व्हाट इज सीन एज अ न्यू स्टेप टू फर्दर एक्सपेंड देयर बायलैटरल डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा जिसमें ये दोनों देश एक साथ मिलकर के दोनों देशों के जो डिफेंस कोऑपरेशन है, जो रक्षा सहयोग है, उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है DTTI का, इज टू ब्रिंग सस्टेन लीडरशिप फोकस टू प्रमोट कोलेबरेटिव टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट। इसका केवल एक ही मकसद है इस भारत अमेरिका रक्षा सौदे का, कि दोनों देश एक दूसरे के तकनीक को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकें और दोनों देशों को अवसर मिले, ठीक है ना, कि वो डिफेंस सेक्टर के अंदर मिल करके जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको प्रोड्यूस करें, उसको डेवलप करें, इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत अमेरिका की जो डिफेंस डील है, ठीक है ना, या डिफेंस संबंध जो है, ये अपस्विंग में आया, इस पे तेजी आई अगले पिछले साल, और जून 2016 में यूएस ने डेजिग्नेट किया था इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑन विच INS द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू द इंडियन नेवल एविएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। भारत के किस INS अध्यक्ष ने हाल ही में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया, INS विक्रमादित्य, INS सुरुचि, INS हंसा या INS विक्रांत, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ऑन विच INS द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेजिडेंट कलर टू द इंडियन नेवल एविएशन, ये बताना है आपको, प्रेसिडेंट कलर किसको दिया गया है ये पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे, INS हंसा को, किसको, इंडियन नेवल शिप हंसा को, ठीक है ना। जो हमारे रामनाथ कोविंद साहब हैं, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और जो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू द इंडियन नेवल एविएशन एट INS हंसा गोवा ऑन 6 सितंबर 2021। ये जो प्रेसिडेंट कलर है ये दिया जाता है उस सैन्य इकाई को, उस मिलिट्री यूनिट को, इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड वॉर, मतलब ऐसी सैन्य टुकड़ी, ऐसी मिलिट्री यूनिट जिन्होंने देश के लिए एक बहुत ही अद्भुत, आप किसी को साहस का परिचय दिया है, अद्भुत सेवा का परिचय दिया है, ठीक है ना, शांति और युद्ध दोनों के समय में, ऐसे मिलिट्री यूनिट को बेसिकली प्रेसिडेंट कलर दिया जाता है। नेवल एविएशन हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ विद नोटेबल एंड गैलेंट सर्विसेज टू आवर नेशन ओवर द पास्ट 7, पिछले 70 सालों से जो नेवल एविएशन है, यानी कि समुद्र की जो, समुद्र का जो जल है, जो समुद्री स्थल है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो उड़ान भरने की कैपेसिटी है, उसने पिछले 70 सालों से, पास्ट 7 डेकेड से भारत को सर्व किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इंडियन नेवी जो है ये पहली आर्म फोर्स थी टू रिसीव द प्रेसिडेंट कलर फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन 27 May 1951। अब बता दूं कि सबसे पहला जो प्रेसिडेंट कलर है वो किसको दिया गया था, इंडियन आर्म फोर्सेस को, किसके द्वारा, उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, जो शांतिपूर्ण मिशन में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ा हुआ है, ये जो पीसफुल मिशन कराई जा रही है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के देशों के बीच में, आशियान, बिम्स्टेक, SCO या UNDP, प्लीज टेल मी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर, सभी लोग क्विकली मुझे इसका आंसर बताइए, तो आप क्या बताओगे, SCO, किसके साथ, SCO। तो आपको ध्यान रखना है जो छठा एडिशन है एक्सरसाइज पीसफुल मिशन का, इसको होस्ट किया गया है रशिया के द्वारा, कहाँ पे, ओरेनबर्ग में, रशिया के कहाँ पे, तो आप बताओगे ओरेनबर्ग में।
तो जितने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना, अभी आपको पता है कि एससीओ में ईरान को एज ए न्यू मेंबर एंट्री दी गई है, जो तो यानी कि अभी ऑर्गेनाइजेशन कितने देशों का हो गया, 9 कंट्रीज का। तो दक्षिण पश्चिम, रूस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में साउथ वेस्ट ऑफ रशिया में एक जगह है ओरेनबर्ग, जहां पे 13 से लेकर के 25 सितंबर तक सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन को क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें फिर वही चीजें हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इसके बारे में क्या करनी है, लोगों को ट्रेन करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडियन आर्मी एंड नेपाली आर्मी विच इज कमेंसिंग फ्रॉम 20th September 2021 एट द पिथौरागढ़ उत्तराखंड। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के 15वें संस्करण का क्या नाम है, जो 20 सितंबर 2021 से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, ठीक है ना। 20 सितंबर 2021 से जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, वहां पे 15वां संस्करण शुरू हो रहा है भारत और नेपाल के मिलिट्री ट्रेनिंग के बीच। तो उसका नाम क्या रखा गया है, नोमैडिक एलिफेंट, वरुण शक्ति, खंजर या फिर एक्सरसाइज सूर्य किरण, प्लीज गो फॉर द आंसर। उस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है भारत और नेपाल के बीच में, जिसको कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्टार्ट किया गया है 20 सितंबर 2021। आप क्या बताओगे, एक्सरसाइज सूर्य किरण। इसको यहां से रखिएगा आप लोग यार। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है इंडियन और नेपाली आर्मी के बीच में शुरू हुई है 20 सितंबर को, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज द इंडियन गवर्नमेंट परचेजिंग, फ्रॉम विच कंट्री इज द इंडियन गवर्नमेंट परचेजिंग द 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारत सरकार किस देश से 56 C-295 परिवहन विमान खरीद रहा है, ठीक है ना। 56 C-295 आपको सिंपल ध्यान रखना है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन गवर्नमेंट किस कंट्री से खरीद रही है, फ्रांस से, स्पेन से, रशिया से या जापान से। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि जो भी डिफेंस डील है वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं अनडाउटेडली। तो आप क्या बताओगे, स्पेन से खरीदा जा रहा है। इसमें से ये कहा गया, ये जो C-295 MW ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें जिसकी 5 से 10 टन की कैपेसिटी है विद कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी। इट हैज अ रियर रैंप डोर फॉर क्विक रिएक्शन एंड पारा ड्रॉपिंग फॉर ट्रूप्स एंड कार्गो। इट विल बी इंस्टॉल्ड विद द इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शू। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइंड इन विच अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अ प्राइवेट कंपनी। जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है जिसको हेड किया जाता है पीएम के द्वारा, उन्होंने अप्रूवल दिया है खरीदने के लिए 56 यानी कि टोटल 56 C-295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना। और इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द एरोस्पेस सेक्टर के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम लेकर के आएंगे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है ना, हम इन जहाजों को भारत के अंदर भी क्या करेंगे, विकसित करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज, ठीक है ना, 2021। रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। अंडर द न्यू रूल्स क्रिटिकल इक्विपमेंट्स लाइक एयर टू एयर रिफ्यूलर्स फॉर द एयरफोर्स कैन बी हायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड्स। नए नियमों के तहत वायुसेना के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने वाले जैसे महत्वपूर्ण उपकरण छोटी अवधि के लिए किराए पर लिए जा सकते हैं। द चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी विल ऑल्सो गेट फाइनेंशियल पावर्स अलाइंड विद द वाइस चीफ्स, ठीक है ना। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है, ये बताना है आप लोगों को। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर एवरीवन। ये सारे न्यूज मैंने करा रखे हैं, हम लोग आज पूरी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस कराने हैं, अभी हम लोग 19th क्वेश्चन पे हैं, इसमें दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम को लेते हुए, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने नए गाइडलाइंस और रूल्स को रिलीज किया है जिसने इम्प्रूव जिसने इनहेंस किया है पावर ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स चीफ, ठीक है ना। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विसेज 2021 एम्स टू एम्पावर फील्ड फॉर्मेशन, फोकस ऑन ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इनहेंस ज्वाइंटनेस अमॉन्ग द सर्विसेज, यानी कि तीनों ही सैन्य बल के बीच में
कोऑपरेशन हो, इनकी जो ऑन फील्ड प्रिपरेशन हो वो बेहतर हो, और इस न्यू रूल के अंतर्गत जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको आप शॉर्ट पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या लीज कर सकते हो, इसको ध्यान रखना है। नेवीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैज कंडक्टेड द ऑस इंडेक्स मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज या कंडक्ट्स द ऑस इंडेक्स मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाएं कितने वर्षों में एक बार ऑसी इंडेक्स समुद्री युद्धाभ्यास आयोजित करती है, ये पूछा गया है। ये जो ऑसी इंडेक्स मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये कितने सालों में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है, ये पूछा गया है। 2 साल में 1 बार, 3 साल में 1 बार, 4 साल में 1 बार या 5 साल में 1 बार। ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाएं कितने वर्षों में एक बार ऑसी इंडेक्स समुद्री युद्धाभ्यास को आयोजित करती है, तो क्या बताओगे, 2 साल में 1 बार। 2 साल में ऑस्ट्रेलिया की जो नदर्न टेरिटरी है हैज रिसेंटली होस्टेड द बाईनियल ऑसी इंडेक्स मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज बिटवीन द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड द इंडियन नेवीज दिस वीक अहेड ऑफ द टू कंट्रीज होल्डिंग देयर फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मीट इन न्यू दिल्ली, इसको ध्यान रखना है आपको। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की ओर से INS शिवालिक और INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया इस ऑसी एक्सरसाइज में, शिवालिक और कदमत ने, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की ओर से, ठीक है ना, उनका जो हिज मेजेस्टिक ऑस्ट्रेलियन शिप है जिसका नाम क्या है, वारामुंगा, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द MRSAM बराक 8 मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना, MRSAM बराक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस सिस्टम हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस एंड इट विल हेल्प द इंडियन एयरफोर्स इन बूस्टिंग इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट। यह प्रणाली भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है और यह भारतीय वायुसेना को अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने और दुश्मन के विमानों से बचाने में मदद करेगी। इट इज एन एडवांस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अल्टीमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफरेंट एरियल प्लेटफॉर्म्स। यह एक उन्नत प्रणाली है जो विभिन्न हवाई प्लेटफॉर्मों के खिलाफ अंतिम सुरक्षा प्रदान करती है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं MRSAM बराक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे में, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। हाँ जी, एक बार सभी लोग मुझे बताइए, क्या ये जो बराक मिसाइल सिस्टम है इसको हमने फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप किया है या इसकी जगह कोई और कंट्री है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है बट दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा B only 2। अब ये देखो कि जो MRSAM बराक 8 मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना, इसको जैसलमेर में इंडक्ट किया गया है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन एन एनिमी एयरक्राफ्ट एट अ 50-70 किलोमीटर रेंज, यानी कि दुश्मन की आने वाली जो हवाई जहाज है या उनका जो एयर मिसाइल सिस्टम है उसको 70 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराने की क्षमता है इसके पास, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इट इज एन एडवांस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अल्टीमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफरेंट एरियल प्लेटफॉर्म्स। इट हैज एडवांस्ड फेज एरे रडार इंटरसेप्टर्स विद एडवांस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर कमांड एंड कंट्रोल एंड मोबाइल लॉन्चर्स। ये सभी चीजों से क्या है, ये पूरी तरीके से लैस है। और इस सिस्टम को डेवलप किया गया है किसकी मदद से, तो आप बताओगे इसराइल। तो आपको ध्यान रखना, दिस सिस्टम हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड द इसराइल, ये ध्यान रखना है। भारत ने किसके साथ मिलकर के इस प्रणाली को विकसित किया है, आप बताओगे इसराइल के साथ मिलकर के। विथ विच कंट्री इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग द लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट MK2? भारत किस देश के साथ लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट MK2 का निर्माण कर रहा है, फ्रांस, स्पेन, इसराइल या इंडिजेनसली, इसको हम खुद से विकसित कर रहे हैं। विथ विच कंट्री इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग द लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट MK2? ये जो लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट MK2 है ये भारत किसके साथ मिलकर के विकसित कर, किसी देश के साथ मिलकर विकसित कर रहा है या इसको हम अपने स्वदेशी तकनीकों पर विकसित कर रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, इंडिजेनसली। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, जितने लोग लाइव हो एक बार प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। आपको ध्यान रखना है जो लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट MK2 है, इट हैज बीन फ्रोजन, इसको फिक्स कर दिया गया है एंड स्टिल कंटिन्यू एक्सपेक्टेड टू बिगिन सून व्हाइल कॉन्फिगरेशन फॉर द 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट हैज बीन फ्रोजन एंड प्रीलिमिनरी डिजाइन कंप्लीटेड, ठीक है ना।
इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और इसको हम लोग पूरी तरीके, और ये आपको ध्यान रखना है जो MK2 है ये 1350 mm लॉन्गर होगी, फीचरिंग कैनार्ड्स एंड कैन कैरी अ पे लोड ऑफ 6500 kg कंपेयर टू 3500 kg द LCA कैन कैरी। जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अब तक वो केवल 3500 kg भार को ढो सकते हैं, लेकिन MK2 की जो क्षमता है ये कितने की होगी, 6500 kg की। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें एक बहुत ही इनहेंस फीचर है जिसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है, यानी कि ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये खुद से ऑक्सीजन को जनरेट करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, जिसको कि इस फ्लाइट के साथ पहली बार इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड आर्म्ड रोबोट टू पेट्रोल वॉलेटाइल बॉर्डर्स, ठीक है ना, हाल ही में किस देश ने अस्थिर सीमाओं पर गश्त करने के लिए सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया है, यानी कि उनके जो आर्म पर्सनल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे एरिया में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं उनमें आपको पता है कि जो आर्म पर्सनैलिटीज हैं उनकी काफी डेथ्स होती है, तो उस अपने आर्म पर्सनल्स के डेथ रेट्स को कम करने के लिए वहां पे आपको ध्यान रखना है कि रोबोटिक आर्मी जो है उसको पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। ये किस देश ने शुरुआत की है? अमेरिका ने। हाँ जी, मेरी क्लास डेली होती है मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे, ध्यान रखना है मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे, ये करंट अफेयर्स मंडे से लेकर के सैटरडे तक होती है, इसको ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये किस कंट्री ने अनवील किया है, तो आप क्या बताओगे, इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने। तो जो इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्हें अनवील किया एक रिमोट कंट्रोल आर्म रोबोट, इट सेज कैन पेट्रोल बैटल जोन्स, ये युद्ध तो क्षेत्रों को अच्छे से गश्त कर सकती है, इट कैन ट्रैक इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठियां हैं उसका पता लगा सकती है, एंड ओपन फायर और उनको देखते ही गोली चला सकती है, ठीक है ना। ये जो अनमैंड व्हीकल है इट इज द लेटेस्ट एडिशन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी विच इज रैपिडली रीशेपिंग द मॉडर्न बैटल फील्ड, और एक तरीके से आप देखो तो कहीं ना कहीं हमारे युद्ध क्षेत्र को एक नए तकनीक के साथ लैस कर रही है। इट इज ऑपरेटेड बाई एन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट एंड कैन बी इक्विप्ड विथ 2 मशीन गन्स, इसको आप इस रोबोट को इलेक्ट्रॉनिक टैब के थ्रू चला सकते हो और इसको 2 मशीन गन से इक्विप कर सकते हो। ये जो रोबोट है इट कैन गैदर इंटेलिजेंस फॉर ग्राउंड ट्रूप्स, ठीक है ना, जो जमीनी स्थल पर मार करने वाले जो सेना है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन पता कर सकता है। इट कैन कैरी इंजर्ड सोल्जर्स, जो घायल सैनिक है उनको ये ढोके ला सकता है, एंड सप्लाइज इन एंड आउट ऑफ बैटल एंड स्ट्राइक नियर बट, जो इसके आसपास के टारगेट्स हैं उसको आसानी से ये मार करके गिरा सकती है, ठीक है ना। ये जो इजरायली मिलिट्री है इज करेंटली यूजिंग अ स्मॉलर बट सिमिलर व्हीकल कॉल्ड द जैगुआर टू पेट्रोल द बॉर्डर, और आपको बता दूं कि जो इजरायल की सेना है वो इस रोबोटिक सोल्जर को यूज कर रही है अपने गाजा पट्टी वाले डिस्प्यूटेड एरिया में, और उस रोबोटिक सोल्जर का नाम क्या रखा है इन्होंने, जागुआर रखा गया, जागुआर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हैज रिसेंटली टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज टुक प्लेस, भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति संपन्न हुआ है, इस अभ्यास का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था, 15, 16, 18 या 20 में। ये जो समुद्र शक्ति बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इसका पहला एडिशन जो है वो किस वर्ष कंडक्ट किया गया था, ये पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है ना, 2015, 2016, 2018 या 2020। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ऑल दोज पीपल हु आर लाइव ऑन द क्लास प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द सेशन। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो द्विपक्षीय आप कह सकते हैं युद्ध अभ्यास है समुद्र शक्ति, इसका पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2018 में, ये ध्यान रखना है। ये तीसरा एडिशन है 2021 में समुद्र शक्ति का, जो अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है, सुंडा स्ट्रेट में, ये ध्यान रखना है। जो सुंडा जल दमरू मध्य है कहाँ पे, इंडोनेशिया में, वहीं पे भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है ये क्या हुई है, संपन्न हुई है, और ये इसका तीसरा एडिशन था, पहला कब हुआ, 2018 में। Consider the following statement with reference to the C-295 MW aircraft. C-295 MW विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। India is procuring the transport aircraft from Germany to replace the Indian Air Force aging 56 Avro aircraft that we procured in the 1960s. भारत भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमानों को बदलने के लिए जर्मनी से 56 परिवहन विमान खरीद रहा है, जो ठीक है ना, किसको रिप्लेस करने के लिए, एवरो विमान को। इट हैज अ प्रूवन कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स,
इसमें छोटी या बिना तैयारी वाले हवाई पट्टियों से संचालन की पूर्ण क्षमता उपलब्ध है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं C-295 MW एयरक्राफ्ट के बारे में, और आपसे पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्लीज गो फॉर द आंसर सभी लोग। तो इसमें ध्यान रखना है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट तो वैसे भी क्या है, गलत है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अभी अभी 25 क्वेश्चंस हुए हैं, 25 क्वेश्चंस अभी भी बाकी है जो मैं अभी कराऊंगा, थोड़ी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 22,000 करोड़ का एक डील किसके साथ, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसे स्पेन के साथ, जिसके अंदर 56 295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो रिप्लेस करेगी इंडियन फोर्स के एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट को, जिसको कि 1960 में खरीदा गया था। ये जो टोटल 56 C-295 MW एयरक्राफ्ट है, इसमें से 16 को तो इंपोर्ट किया जाएगा स्पेन से 48 मंथ्स के बिरीन, और जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट है, रिमेनिंग कितने होंगे 40 जो है, उसको मैन्युफैक्चर की जाएगी टाटा ग्रुप के द्वारा आने वाले 10 वर्षों में। ये ध्यान रखना है कि जो टोटल 56 C-295 MW एयरक्राफ्ट हैं, इसमें से 16 एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द 40 एयरक्राफ्ट को जो टाटा ग्रुप है वो आने वाले 10 साल के भीतर क्या करेगी, इसको विकसित करेगी। चलिए ध्यान रखिएगा कि हमारा जो 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है कल से, यानी कि सॉरी नॉट कल से, मंडे से 4th of October से, उसकी फी रखी गई है 1499। कल मिडनाइट यानी कि 3rd October के मिडनाइट अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो आप ये 1199 में खरीद सकते हो इस कोर्स को। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएगी, डेली PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दी जाएगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज का गाइडेंस दिया जाएगा, और कंप्लीट बुक जो है वो PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए और साथ ही साथ अगला सवाल ये है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एनवायरमेंटलिस्ट ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित पर्यावरणविद हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एनवायरमेंटलिस्ट हु हैज बीन ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। इज इट स्टीवन म्यूंसी, फिरदौसी कादरी, रॉबर्टो बैलॉन या मोहम्मद अमजद साकी, ये पूछा गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एनवायरमेंटलिस्ट ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। प्लीज गो फॉर द आंसर एवरीवन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर, जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, दोज हु आर लाइव। तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्टो बैलॉन, ठीक है ना। तो बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट एंड अ माइक्रो फाइनेंस पायनियर फ्रॉम पाकिस्तान वेयर अमॉन्ग द 5 रेसिपियंट्स ऑफ दिस ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एशियन नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट और माइक्रो फाइनेंस के जो पायनियर हैं फ्रॉम पाकिस्तान से, वो इस वर्ष के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के विनर है, ठीक है ना। द अदर विनर्स आर फिलिपिनो फिशर एंड अ कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट रॉबर्टो बैलॉन, ये ध्यान रखना है। अमेरिका के स्टेवी मिंची जो है इनको ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए अवार्ड दिया गया है और रेफ्यूजी असिस्टेंस के लिए, और इंडोनेशिया के जो फ्लैग बियरर हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म एंड वॉचडॉग, उनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द अर्थशॉट प्राइजेस, अर्थशॉट पुरस्कार के लिए कितने भारतीयों का चयन किया गया है, 2, 3, 10 या 15। हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द अर्थशॉट प्राइज, ठीक है ना, ये पूछा गया है। कितने इंडियंस को सेलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए, तो आप बताओगे अर्थशॉट प्राइजेस के लिए। प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्ड, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है 2 भारतीयों को इसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स अमॉन्ग 15 फाइनलिस्ट फॉर द प्रिंस विलियम्स अर्थशॉट प्राइज हैज बीन सेलेक्टेड। एक तो 14 साल की जो तमिलनाडु की स्कूल गर्ल है, उसने सोलर पावर्ड जो इस्त्री करने वाली मशीन होती है उसको प्रोजेक्ट किया है और कहा है कि ये हमारे पॉल्यूशन को कम कर सकती है। और दिल्ली के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल वेस्ट को रिसाइकल करने का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है, जिनका नाम क्या है तो आप बताओगे विद्युत मोहन, ठीक है ना, विद्युत मोहन। तो दो लोग विनीशा उमाशंकर फ्रॉम तमिलनाडु और विद्युत मोहन फ्रॉम दिल्ली, इन दोनों को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है प्रिंस विलियम्स अर्थशॉट प्राइज के लिए। रिसेंटली एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड विद द अफ्रीका फूड प्राइज 2021 इन विच कंट्री द प्राइजेस वर फेलिसिटेटेड। हाल ही में एक भारतीय संगठन को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस देश में पुरस्कारों को
किस देश में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था? घाना में, कीनिया में, कॉन्गो में या फिर इजिप्ट में, ये पूछा गया है। एक भारतीय संगठन को अभी अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो किस देश में इस पुरस्कार का विमोचन किया गया, ये पूछा गया है आपसे। तो आप क्या बताओगे? कीनिया में। कहाँ पे हुआ था? कीनिया में। तो हैदराबाद बेस्ड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉप, इक्री सैट कहते हैं इसको, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैज बिन अवॉर्डेड द अफ्रीकन फूड प्राइज 2021 फॉर इम्प्रूविंग द फूड सिक्योरिटी इन सब सहारन अफ्रीका। ये ध्यान रखना है। तो हैदराबाद स्थित या हेडक्वार्टर जो इक्री सैट है उसको अवार्ड दिया गया है अफ्रीकन फूड प्राइज 2021 के लिए, उनके इस प्रयास के लिए जिससे कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा को विकसित किया है सब सहारन अफ्रीका के क्षेत्र में। इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलिए, विच न्यू कंट्रीज हैज और हैव बिन एडमिटेड टू द नेशनल डेवलपमेंट बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक में किन नए देशों को शामिल किया गया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरुग्वे, बांग्लादेश या ऑल ऑफ दीज। आपको बता दूं मैं कि जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था उसी का नाम बदल कर रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए काम करती है ब्रिक्स नेशन, और साथ ही साथ उन सभी कंट्रीज के लिए जिनको कि उसके मेंबरशिप दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना है ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा, ब्रिक्स ग्रुप्स ऑफ नेशंस के द्वारा, एंड हैज एडमिटेड द यूएई, यूरुग्वे एंड बांग्लादेश एज द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू मेंबर्स। नए मेंबर के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक में यूएई, यूरुग्वे और बांग्लादेश को क्या किया गया, शामिल किया गया है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2015 में लाई गई थी बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, जो कि एक मेजर ग्रुप है इमर्जिंग इकोनॉमीज, या हम कह सकते हैं फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज की। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? शंघाई में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करती है ग्रोथ करने में और मदद करने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में किस देश को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इज इट ए ताजिकिस्तान, इज इट बी ईरान, इज इट सी उज्बेकिस्तान और इज इट डी अजरबैजान। अभी जस्ट डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है ईरान। और इसी के साथ टोटल कंट्रीज कितनी हो गई, तो आप बताओगे 9 कंट्रीज, ये ध्यान रखना है। तो ईरान को रिसेंटली ऑफिशियली एडमिट किया गया है एज अ फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। ये जो डिसीजन है ईरान को एज अ फुल मेंबरशिप देने का, इसको डिक्लेयर किया गया है एससीओ के 21st समिट में, जो कहां पे हुआ? दुशानबे, ताजिकिस्तान में। तो ये 21वीं एससीओ की सम्मेलन थी जो कहां पे हुई थी? दुशानबे, ताजिकिस्तान में। और अभी तक ईरान जो है उसको केवल ऑब्जर्वर स्टेटस था, लेकिन इस बार इसको फुल मेंबरशिप दे दी गई है, इसको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट यह है कि इट एम्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स स्टडिंग इन क्लास 6 to 10। इसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों और कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले छात्रों को प्रेरित करना है। दिस स्कीम इज अलाइंड विद द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ संलग्न है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम के बारे में, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। देखो, इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, जो 8वीं राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ली गई है फॉर द इंस्पायर अवार्ड्स मानक, वॉट इज मानक? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। मानक स्टैंड्स फॉर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसको कमेमोरेट किया गया है। इट हैज शोकेस्ड द इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम 581 स्टूडेंट्स
एंड रिप्रेजेंटेड वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ द कंट्री, इसको ध्यान रखना है। और ये जो इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम है, इसको अलाइन किया गया है विद द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, इसको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस निशान दैट योर सिस्टर हैज गॉट दिस अवार्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कनेक्ट करो 2021, कनेक्ट करो 2021 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सीरीज ऑफ इवेंट्स टुवर्ड्स डिजाइनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फॉरवर्ड इंडियन सिटी। यह समावेशी, टिकाऊ और जलवायु को आगे बढ़ाने वाले भारतीय शहरों को डिजाइन करने की दिशा में एक वैश्विक श्रृंखला का हिस्सा है। बाय 2030 द अर्बन पॉपुलेशन इंडिया विल ऑलमोस्ट डबल टू 630 मिलियन। ये दो चीजें कही गई है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है विथ रेफरेंस टू द कनेक्ट करो 2021। प्लीज गो फॉर द आंसर ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे रिप्लाई करें, जितने लोग लाइव हैं प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज रिसेंटली एड्रेस द कनेक्ट करो 2020, इसका थीम है टुवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज इवेंट, ठीक है ना। ये भारतीय शहरों को बराबरी और सतत विकास के लिए प्रोग्राम लाया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सीरीज ऑफ इवेंट दैट द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ऑर्गेनाइजेज एंड होस्ट टू ब्रिंग टूगेदर इंडिया एंड ग्लोबल लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स कमिटेड टूवर्ड्स डिजाइनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फॉरवर्ड इंडियन सिटीज। बाय 2030 ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द नेशनल GDP विल कम फ्रॉम आवर सिटीज एंड एज अ पार्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, इसको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द EU KUS ऑस्ट्रेलिया UK US ग्रुप। इट इज अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक बिटवीन साउथ अफ्रीका उज्बेकिस्तान एंड US। AU-KUS इज मोर देन लाइकली टू बी सीन एज काउंटर वेट्स टू चाइनाज ग्रोइंग मसल फ्लेक्सिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो AU-KUS है इसको भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसका जो लचीलापन है उसके प्रतिकार के रूप में देखे जाने की संभावना से अधिक है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है AU-KUS के बारे में जो कि बिल्कुल सही है, प्लीज गो फॉर द आंसर। देखो ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके बीच में है तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA के बीच में, ये ध्यान रखना है। तो ओनली बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। जो क्वाड लीडर्स की मीटिंग अभी हुई है Washington DC में, उसके ठीक एक हफ्ते पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अनाउंस किया था एक नए 3 देशों के सिक्योरिटी पार्टनरशिप को इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया UK और US जो है वो शामिल है, ठीक है ना। ये पहला प्रोजेक्ट है AU-KUS का जो कि हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को एक्वायर करने में न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनली आर्म्ड सबमरीन फ्लीट को, ताकि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद इंडियन ओशन में है और पैसिफिक को भी टच करती है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया को ये प्रिविलेज दिया जा रहा है वो इसलिए ताकि चाइना का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको ये कंट्रीज मिलकर क्या कर सके, काउंटर कर सके। इन विच कंट्री द फर्स्ट हाइब्रिड फॉर्मेट SCO समिट विल टेक प्लेस दिस ईयर। इस वर्ष पहला हाइब्रिड प्रारूप SCO शिखर सम्मेलन किस देश में होगा, चाइना, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान। इन विच कंट्री द फर्स्ट हाइब्रिड फॉर्मेट SCO समिट विल टेक प्लेस दिस ईयर। इस वर्ष पहला जो हाइब्रिड प्रारूप SCO शिखर सम्मेलन है उसको किस देश में होने की संभावना है, ये पूछा गया है, चीन में, भारत में, तुर्कमेनिस्तान में या फिर ताजिकिस्तान में। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पहला हाइब्रिड फॉर्मेट SCO समिट होगा ये कहां पे होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ताजिकिस्तान में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द एजीज ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। यह योजना स्टैंड अप इंडिया योजना के तत्वावधान में शुरू की गई है। कैंडिडेट्स हु आर 10th पास एंड आर बिटवीन द 18 टू 35 ईयर्स ऑफ एज शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। 10वीं पास और 18 से 35 वर्ष के बीच के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट दी गई है रेल कौशल विकास योजना के बारे में और आपसे पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि यहां पे सही होगा। प्लीज टेल मी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर विल बी बी ऑनली। अब ध्यान रखना, जो अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रेल कौशल विकास योजना एक कार्यक्रम शुरू की है अंडर द एजीज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो यहाँ पे जो है कि अंडर द एजीज ऑफ स्टैंड अप इंडिया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसको किसके अंदर लाया गया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। ये जो योजना है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी 50,000 कैंडिडेट्स को 3 साल में। इनिशियली शुरुआत में जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड किया जाएगा 1,000 कैंडिडेट्स को 4 अलग अलग ट्रेड्स में, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक और फिटर। ये जो 4 ट्रेड्स होते हैं ITI में, इनके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी पहले 1,000 लोगों को। इट विल कंसिस्ट ऑफ इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 100 आवर्स, इसमें शुरुआत में 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो सभी लोग जो 10th पास हैं और जिनकी उम्र 18 से 35 साल की है वो एलिजिबल होंगे इस रेल कौशल विकास योजना स्कीम का लाभ लेने के लिए, जिनको स्किल किया जाएगा 4 ट्रेड्स में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और साथ में क्या ध्यान रखना है आपको, मशीनिस्ट के रूप में, ठीक है ना। और इसमें ये प्रयोजन किया गया है कि 50,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन करने की बात की जाएगी आने वाले 3 सालों में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया हैज टोटल 10 बीचेस हैविंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। भारत में कुल 10 समुद्र तट ऐसे हैं जिन्हें फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त दिया गया है। जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क है, इट कंडक्ट्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द 33 क्राइटेरिया एट ऑल द टाइम्स। ये जो फ्री फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है डेनमार्क, ये हर समय 33 मानदंडों के सख्त अनुपालन के लिए नियमित निगरानी और लेखा परीक्षा आयोजित करता है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके बारे में, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में, यानी कि वो सभी बीचेस, कोस्टल बीचेस जिन जो इन 33 पैरामीटर्स पे सही उतरती है, उन बीचेस के ऊपर एक ब्लू कलर का झंडा का जो सिंबल है उसको दे दिया जाता है कि ये बीच क्या है, टोटली इको फ्रेंडली है, नॉन पॉल्यूटेड है, कार एमिशन फ्री है और साथ ही साथ जितने भी सैनिटेशन के कंप्लाइंसेज हैं उसको क्या कर रही है, अधेयर कर रही है, उसको फुलफिल कर रही है, ठीक है ना। उसी के ऊपर देखो, तो जिन बीचेस के ऊपर आप देखो कि एक वाइस्टिंग ब्लू फ्लैग का टैग लगा हुआ है, यानी कि उनको दिया गया है क्या, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। अभी एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, जितने लोग लाइव हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में दिया गया, करेंटली द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द पायलट फेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली। वर्तमान में यह परियोजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जा रही है। दूसरा है कि दिस विल एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। यह डॉक्टरों और अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले जो व्यवसायी हैं उनको उनके काम करने में क्या देगी, आसानी प्रोवाइड करेगी। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल परियोजना है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ये बताया जाए आपसे। हां जी, वी आर द क्वेश्चन नंबर 37। इसमें ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2। ये ध्यान रखना है। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके अंतर्गत एक यूनिक डिजिटल हेल्थ, जैसे हमारा आधार कार्ड का आईडी नंबर होता है, वैसे एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी लोगों को, जिसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सन जो है मेंशन होंगे। वर्तमान में ये जो परियोजना है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 6 यूनियन टेरिटरीज में। ये ध्यान है, ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं है, इसको प्रेजेंटली 6 UTs में हम क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो की कॉम्पोनेंट्स है इस प्रोजेक्ट का, उसमें एक हेल्थ आईडी दी जाएगी सभी नागरिकों को, दैट विल ऑल्सो वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट। वो उनके हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करे, इसमें टू विच
पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक्ड एंड व्यूड विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें हर व्यक्ति के हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में एक मोबाइल ऐप के थ्रू जाना जा सकता है, ताकि इन आईडी को डालकर के डॉक्टर्स जो है इनको डायग्नोस करने में ज्यादा समय ना लगा। चलिए अगला सवाल यह है हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द 13th ब्रिक्स समिट, हाल ही में किस देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ब्राजील, चाइना, रशिया या इंडिया ने। जो 13th ब्रिक्स समिट हुआ है इसकी मेजबानी इसको होस्ट किस कंट्री के द्वारा की गई है, ये पूछा गया है आप लोगों से, ब्राजील, चाइना, रशिया या इंडिया ने, तो आप क्या बताओगे, भारत ने। और ये क्या हुआ है, वर्चुअली हुआ है। तो जो 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन है इसको भारत की अध्यक्षता में कंडक्ट किया गया है, ये तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया है आफ्टर 2012 एंड 2016, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहली बार इंडिया ने ब्रिक्स को 2012 में होस्ट किया था, फिर चार साल के बाद 2016 में होस्ट किया, और अब पांच साल के बाद 2021 में किया था। जो थीम था इंडिया में होस्ट किए गए ब्रिक्स सम्मेलन का, इट इज ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कॉन्सोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है ना, ब्रिक्स जो है अपनी 15वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा था इस साल, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स का जो गठन हुआ था वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ठीक है ना, जुलाई 2006 में, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्रिक्स है ये तीन पिलर्स पे काम करती है, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक सुरक्षा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को प्रमोट करने के लिए। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2021, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, और इज इट द JNU। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2021, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2021 को किस कंट्री के द्वारा, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप किया गया है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस, किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इसको, एनी आइडिया अबाउट दिस। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना प्लीज, जितने बच्चे लाइव हैं। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने, इसको ध्यान रखना है। विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, यह पूछा गया है। विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग हैं, तो आप क्या बताओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, यानी कि कोयला मंत्रालय ने, कोयला मंत्रालय, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है टास्क फोर्स और एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। कोल जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हाइड्रोजन मेकिंग का, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान रखना है तीन नाम दिए गए हैं। सबसे पहले कि आप यदि आप कोयले से हाइड्रोजन बनाते हो तो उसका नाम दिया गया है ब्राउन हाइड्रोजन, अगर आप नेचुरल गैस बनाते हो तो उसका नाम दिया गया है ग्रे हाइड्रोजन, और यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हो तो उसका नाम दिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन। ये तीन क्लासिफिकेशन है, ब्राउन, ग्रे और ग्रीन। तो ब्राउन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ग्रे का मतलब प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, और ग्रीन का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज ग्रीन हाइड्रोजन, सरप्लस सोलर पावर इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इस ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और कोल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्राउन हाइड्रोजन के लिए भी, यानी कि हाइड्रोजन मेकिंग के लिए। विच टू कंट्रीज हैव को चेयर्ड द 18th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस विच हैज बीन हेल्ड वर्चुअली, किन दो देशों ने वस्तुतः आयोजित 18वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श की सह अध्यक्षता की है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, वियतनाम एंड ब्रुनेई, इंडिया एंड ब्रुनेई, फिलीपींस एंड सिंगापुर, किन दो देशों ने मिलकर के 18th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस के समिट को
वर्चुअली क्या किया है, को चेयर किया है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और ब्रुनेई ने। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द एम ऑफ द शून्य प्रोग्राम, जो शून्य कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है। जीरो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, जीरो ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी और नन ऑफ दीज। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। व्हाट इज द एम ऑफ द शून्य प्रोग्राम, जो शून्य कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे, जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी। बिल्कुल सही कहा। जो नीति आयोग है विथ आर एम आई इंडिया सपोर्ट ने लॉन्च किया है शून्य, जो कि एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विथ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि जो उपभोक्ता है और जो उद्योग है उनके सहयोग से एक ऐसी डिलीवरी मैकेनिज्म लानी जिसमें कि पॉल्यूशन जीरो लेवल पे हो। ये कैंपेन जो है इसका एक ही मकसद है कि हम एक्सीलरेट करेंगे एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द डिलीवरी सिस्टम, खासकर अर्बन डिलीवरी सिस्टम के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से ई कॉमर्स हमारा फैल रहा है, जिसके हिसाब से जोमैटो, स्विगी, ऊबर ईट्स जैसे जो डिलीवरी चैनल्स हैं, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो डिमांड बढ़ रहा है अर्बन सिटीज में, और इसलिए इस डिलीवरी सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहा गया है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ये ध्यान रखना है। विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन द MOU इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपदा जोखिमों में कमी और प्रबंधन के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइन द MOU इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। जापान, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। प्लीज गो फॉर द आंसर। तो आप क्या बताओगे, इटली। किसके साथ, इटली के साथ। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक MOU को इंडिया और इटली के बीच में फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये जो MOU एंड कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट विच वॉज साइन बिटवीन NDMA नदमा, इसको साइन किया गया है भारत के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इटली रिपब्लिक के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच ईयर हैव वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओजोन डे फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने पहली बार विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष मनाया है। आपको पता है कि जो 16 सितंबर है, सितंबर ही है ना शायद, को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में। और पहला वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब मनाया गया था, ये पूछा गया है आपके द्वारा। सबसे पहली बार जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, ओजोन लेयर के प्रिवेंशन के लिए। बिल्कुल सही है कि 16 सितंबर को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहली बार ये सेलिब्रेशन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे, इट्स इन द 1994। बिल्कुल सही है, 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल, इसको ध्यान रखना है। और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर क्या है, हमारी प्रेजेंट है। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ये तो आसान है आपके लिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो जब हम अडॉप्ट करते हैं उसी को हम इनिशियल ईयर मानते हैं मेरे दोस्त, समझो इस बात को। तो आप क्या बताओगे, 8th of September को। कब, 8th of September को। इसकी थीम रखी गई है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। एवरी ईयर सिंस 1967, प्रत्येक वर्ष 1967 से ही जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है इसको ऑब्जर्व किया गया है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेसी एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, एज वेल एज टू प्रमोट द लिटरेसी एजेंडा टुवर्ड्स अ मोर इन्फॉर्म एंड सस्टेन्ड सोसाइटी, इसको ध्यान रखना है। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल साइन डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46,
तो क्या बताओगे? 23 सितंबर को कब बनाया था? 23 सितंबर को, 23 सितंबर, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इसका थीम क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। दिस डे ब्रिंग्स अटेंशन टू द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु आर डेफ एज वेल एज अदर यूजर्स ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और यूएन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 2017 में अपने 72nd सेशन के दौरान। इसको ध्यान रखना है। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2021? हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 को सेलिब्रेट किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15, 16, 17 या 18 सितंबर? तो आप क्या बताओगे? जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये कब मनाते हैं हम लोग? 15 सितंबर को। कब है? 15 सितंबर को, ये ध्यान रखना है। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द हिंदी दिवस इन इंडिया? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14th, 15th, 16th या 17th सितंबर को। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द हिंदी दिवस इन इंडिया? हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो आप क्या बताओगे? 14 सितंबर को। बिल्कुल सही है। According to the newly data published by the Botanical Survey of India, which region in India has the major additions to the new flora? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में नई वनस्पतियों में प्रमुख वृद्धि हुई है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ डेक्कन। According to the newly data published by the Botanical Survey of India, Which region in India has the major additions to the new flora? ये पूछा गया है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नई आंकड़ों के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में नई वनस्पतियों में प्रमुख वृद्धि हुई है? आपको बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहां पर है? तो आप बताओगे पश्चिमी घाट में। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स has been stopped by the World Bank recently? विश्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? इनमें से कौन सी वो रिपोर्ट है जिसपे पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है विश्व बैंक के द्वारा? ये पूछा गया है। प्लीज गो फॉर द आंसर। आप क्या बताओगे इसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, इस पे क्या किया गया? रोक लगा दिया गया है। तो सभी बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स आ रहा है ओटीए के लिए, इसकी कोर्स फीस रखी गई है 999। आप अगर 3 अक्टूबर के मिडनाइट तक इस कोर्स को परचेज करते हो तो यू कैन अवेल इट फॉर जस्ट ₹799। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ अपलोड्स, प्रैक्टिस सेशंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज गाइडेंस और कंप्लीट बुक पीडीएफ के फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है ना? तो आप इस इन कोर्सेज को एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो या example.com पे लॉगिन करके परचेज कर सकते हो। तो ये थी हमारी सितंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी। प्लीज आप लोग इस तरह के सेशंस को प्रमोट किया कीजिए और डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे एक्सप्रेस 365 के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज दोपहर 1 बजे मैं फंडामेंटल राइट्स कराने जा रहा हूँ इसी चैनल पे, 1 बजे। ठीक है ना? तो आज दोपहर 1 बजे फंडामेंटल राइट्स के क्लास के लिए ऑनलाइन बेंचर्स के डिफेंस यूट्यूब चैनल पे 1 बजे में से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।